कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जुटे फाइजर ने मुंह के जरिए ली जाने वाली कोरोना की दवा का ट्रायल शुरू किया है। ट्रायल सफल रहने से कोरोना की रोकथाम में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की मुंह के जरिए ली जाने वाली दवा का ट्रायल अंतिम चरण में है। फाइजर ने बयान दिया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुंह के जरिए ली जाने वाली एंटीवायरल दवा बनाने में जुटा है। दवा का परीक्षण का मध्य से लेकर अंतिम चरण में है। 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के 2660 लोगों पर ट्रायल जारी है। मुंह के जरिए ली जाने वाली दवा पीएफ का अध्ययन हो रहा है। 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी दवा सुरक्षित होगी। दवा से बच्चों में भी मजबूत एंटीबॉडी पैदा होगी। अमेरिका की मर्क एंड कंपनी और स्विस फार्मास्यूटिकल्स रोच होल्डिंग एजी भी कोविड पहली एंटीवायरल गोली विकसित करने में जुटी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।